नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में ऐसे अपनी पकड़ मजबूत करेगी बीजेपी। राजद विधायक के इस फैसले की हर कोई कर रहा वाहवाही। पटना में इस मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ परिवाद हुआ दर्ज, इस वजह से जदयू में केसी त्यागी की हुई वापसी। पीएम उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार ने कही ये बात। चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के राजनीति में ऐसे अपनी पकड़ मजबूत करेगी बीजेपी। जदयू का दामन छोड़ आरसीपी सिंह पार्टी की सदस्यता छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कभी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के इतने करीबी माने जाते थे कि लोग उन्हें नीतीश के उत्तराधिकारी के नाम से जानते थे, लेकिन अब जब आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तब उन पर बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आरसीपी अपने इस जिम्मेदारी के तहत नीतीश के कोर वोटर जो लव कुश यानी कोयरी समाज से आते हैं इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही लवकुश वोट बैंक के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में लाने की तैयारी में जुट चुकी है। वहीं दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पासवान पर भी बीजेपी अपनी नजर बनाई हुई है। अक्सर बीजेपी राजनीति में हिंदू कार्ड से खेलती है, लेकिन बिहार की राजनीति में जातियों का बोलबाला भी देखने को मिला। इसलिए बिहार के राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी लवकुश समीकरण पर अपनी गणित मजबूत कर रही। सपा नेता के साधु संतों वाले विवादित बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ने कही ये बात। इन दिनों समाजवादी पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने साधु संतों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि गेरुआ पहनने वाले साधु संत नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान पर अब यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पलटवार सामने आया है। दरअसल उन्होंने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। वहीं मदरसा के जांच वाले मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन जो भी कर रहे हैं कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन विधि सम्मत जो लोग कर रहे हैं वह बताएंगे। राजद विधायक के इस फैसले की हर कोई कर रहा वाहवाही। बिहार के मोहम्मद कामरान जो कि राजद के विधायक हैं, वे राज्य में अपने जिंदा दिली के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल राजद के इस विधायक का बंगला पटना में गोल्डन गेट वाले बंगले के नाम से जाना जाता है। अपने सरकारी बंगले को उन्होंने जनता के नाम कर दिया है, क्योंकि कई लोग इलाज या अन्य किसी महत्वपूर्ण काम से पटना आते हैं, मगर पैसों की कमी के कारण वे पटना के फुटपाथ पर ही अपनी पूरी रात बिता देते हैं। ऐसे में उनके द्वारा जनता के हित में उठाए गए इस कदम के कारण उन्हें काफी सराहना मिल रही है। बता दें कि कामरान नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा सीट से विधायक है। जब प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब कामरान को 2 M Stand Road में स्थित गोल्डन गेट वाला सरकारी बंगला मिला। पहले इस बंगले में तेज प्रताप यादव रहा करते थे। जब सरकार बदली और वे मंत्री के पद पर आए तब उनका बंगला भी बदल गया, जिसे आगे चलकर कामरान को सौंपा गया। कामरान ने अपने इस बंगले को जनता के हवाले करने के साथ ही इसका नामकरण भी जनता आवास कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस बंगले का सुख जनता ही भोगेगी। सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल से यूक्रेन की तुलना करते हुए किया यह दावा। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर राजनीतिक बहसबाजी देखने को मिलती है। अब इसे लेकर एक बार फिर से भाजपा पार्टी और टीएमसी की पार्टी आमने सामने आ चुकी है। दरअसल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी ज्यादा खराब है। अभी तो रूस भी यूक्रेन पर इतने हमले नहीं कर रहा जितने पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। दरअसल सुवेंदु अधिकारी का यह बयान गुरदासपुर में हुए विस्फोट के बाद सामने आया है। अपने बयानों के दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि देश में वन नेशन वन पुलिस कानून लागू होने जा रहा है। दरअसल मीडिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला है कि जुलाई में वन नेशन वन पुलिस कानून लागू हो जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसके बाद पूरे देश में एक ही पुलिस होगी। ममता बनर्जी इसी बात से डरी हुई है कि उनके हाथ से पुलिस विभाग चला जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के सांसद ने नीतीश और कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पर राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद ने जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार यहां पर बर्बाद हो रहा है और नीतीश कुमार देश यात्रा पर निकले हैं। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, आए दिन अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अपराध बिहार में नहीं हो रहा है। आगे उन्होंने पीएम पद की बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, लेकिन बता दो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रही है, लेकिन मेरा सवाल है कि विपक्ष कहां एकजुट है। अभी हाल में ही कर्नाटक में सीएम पद के चुनाव के लिए इतना झंझट हुआ, जब कांग्रेस पार्टी खुद एक नहीं है तो एकजुटता किस बात की। पीएम उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार ने कही ये बात। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता में खुशी की लहर दौड़ रही। विपक्षी एकता मुहिम अब दोगुनी रफ्तार से चल रही। देश में विपक्षी दलों की मुलाकात का दौर भी बढ़ गया है। अब इसी बीच विपक्षी एकता से पीएम उम्मीदवारी को लेकर शरद पवार का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मेरी कोशिश विपक्ष को साथ लाने की है। ऐसी ही कोशिश बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ रहे तो पीएम उम्मीदवार बनने का सवाल ही कहां है। पीएम पद को लेकर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह पीएम बनने के रचे में नहीं है। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश के विकास के लिए काम कर सके। साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस के जीत का श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को देते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की पदयात्रा के सफलता के सबसे अच्छा उदाहरण है। पटना में इस मामले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ परिवाद हुआ दर्ज। अभी हाल में ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी को लेकर बयान सामने आया था। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी को अपने ट्वीट में अनपढ़ कह दिया था। अब इसी को लेकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 मई को की जानी है। बता दें कि यह परिवाद पत्र पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपित ने अपने ट्वीट में 19 मई को प्रधानमंत्री को मानहानिकारक शब्द अनपढ़ कहा है। इस आपत्तिजनक शब्द से करोड़ों भारतीयों को ठेस पहुंचा है। दिल्ली के सरकारी अफसरों को लेकर लाए गए अध्यादेश के तहत जारी हुआ पहला ऑर्डर। दिल्ली में सरकारी अफसरों के पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश लाकर तुरंत पलट दिया और फिर दिल्ली सरकार के हाथ से एक बार फिर सरकारी अफसरों को लेकर यह अधिकार चला गया। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान भी देखने को मिली। अब इस बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के तहत पहला ऑर्डर जारी किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दिल्ली के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर के ऑफिस को डी सील कर दिया गया है। वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा जिन अफसरों के तबादले किए गए थे उन अफसरों को नए स्थानों पर काम करने से भी रोक दिया गया है। साथ ही उन्हें आदेश देते हुए कहा गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जिस विभाग में थे उसी विभागों में कार्य करें और अब उपराज्यपाल की तरफ से उनके तबादले को लेकर नया ऑर्डर जारी होगा। 10 लाख लोगों के साथ आनंद मोहन इस महीने में करेंगे सख्ती प्रदर्शन। जब से जेल मैनुअल में बदलाव कर पूर्व सांसद आनंद मोहन के जेल से रिहाई की खबर बाहर आई है तब से राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच खबर आई है कि आने वाले नवंबर के महीने में 10 लाख लोगों के साथ रैली कर आनंद मोहन अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों को निमंत्रण देना भी शुरू कर दिया है। बता दें इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी जब वे रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने का अभियान उनका निरंतर जारी रहेगा। 2000 के नोट वापसी पर शरद पवार और संजय राउत ने केंद्र सरकार पर किया हमला। 2000 के नोट को वापस लिए जाने के फैसले को लेकर कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किसी अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति यानी किसी मूडी व्यक्ति के फैसले जैसा है। मुझे 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बारे में कुछ शिकायतें मिली है। नोटबंदी के बाद पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसी संस्थाओं को नुकसान हुआ क्योंकि इनके पास मौजूद कई करोड़ रुपए बदले नहीं जा सके। इसी कड़ी में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाता है तो प्रधानमंत्री नकारात्मक भावनाओं को कम करने के लिए कुछ मनमाने फैसले करते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर कही ये बात। विपक्षी एकता में लगे नीतीश कुमार को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार देश में राज्य के कई दलों से मुलाकात कर चुके हैं। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायक के साथ आज लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद के उद्घाटन की मांग पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। संसद के नए भवन निर्माण पर विपक्षी दल केंद्र सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया जाना है। इसे लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि यह उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से यह मांग राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए की थी। राहुल गांधी के इस मांग को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। आगे उन्होंने इस मांग को लेकर कहा कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और सरकार की तरफ से संसद का नेतृत्व करते हैं जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है जबकि पीएम है। इस वजह से जदयू में केसी त्यागी की हुई वापसी। केसी त्यागी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाए जाने के ठीक 2 महीने बाद ही पार्टी में फिर से वापसी हो चुकी है। वापसी के साथ ही उन्हें पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। दरअसल अब केसी त्यागी को जदयू का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता का पद सौंपा गया है। बता दें कि पार्टी में केसी त्यागी की वापसी ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए केसी त्यागी काफी मायने रखते हैं।
इन्हीं वजहों से लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि उन्हें पार्टी में वापसी करवाई गई है, लेकिन ताकि वे विपक्ष के नेताओं के साथ जदयू का तालमेल बनाए रखने में मुख्य भूमिका अदा कर सकें। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ खोला मोर्चा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल के पक्ष में सुनाए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया था। अब केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुट चुके हैं। अपना समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वे देश में अलग अलग दलों से मुलाकात करेंगे। अब इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने केजरीवाल कोलकाता पहुंचने आ रहे हैं। ठीक इसी मुलाकात के अगले दिन यानी कल वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए महाराष्ट्र जाने वाले हैं। बता दें केजरीवाल के इस मुहिम को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्होंने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अध्यादेश का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों से समर्थन ले रहे हैं ताकि सांसद में से संबंधित बिल को पास होने से रोका जा सके। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर दिल्ली दौरे पर गए नीतीश पटना लौटे। विपक्षी एकता के अभियान को लेकर दिल्ली गए नीतीश की पटना में वापसी हो चुकी है। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान अब तक विपक्षी एकता के मुहिम और बिहार में विपक्षियों के महाबैठक को लेकर चर्चा की गई। हालांकि अब महाबैठक कब तक होगी इसकी तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन खबर सामने आई है कि जल्द ही सर्वसहमति से विपक्षी दलों द्वारा किए जाने वाले महाबैठक की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, मंजीत कुमार, बाबूलाल मरांडी, अजीत पोरस और दीपक कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी अफसरों के तबादले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से अध्यादेश लाया है, इस पर आपके क्या विचार है? आप जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।